क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है जिसमें फौजी तो होंगे लेकिन उनका कोई रैंक नहीं होगा, कोई पद या डेजिग्नेशन नहीं होगा? क्या आपने कभी ऐसे फौजियों के बारे में सोचा है जो फौज को अपनाने से पहले ही बेगाने कर दिए जाएंगे? क्या आपने देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों के बारे में सुना है जो सरहद पर लड़ने के दौरान इस बात के लिए ज्यादा परेशान रहेंगे कि उनकी नौकरी जाने वाली है? क्या आपने कभी ऐसे सैनिकों के बारे में सोचा है जिन्हें अपनी सेना में रहते हुए या सेना से जाने के बाद भी ना तो कोई कैंटीन सुविधा मिलेगी ना ही कोई मेडिकल सुविधा? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद तो 5 साल तक के लिए हो सकते हैं पर सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए हो सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद को तो 5 साल के बाद पेंशन मिल सकती है लेकिन सैनिक को 4 साल की देश सेवा के बाद पेंशन नहीं मिल सकती है? ये सारे अविश्वसनीय, अप्रत्याशित और असंभव काम को कर दिखाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसीलिए आज मेरा आप सबसे व्यक्तिगत निवेदन है, अगर आप कट्टर देशभक्त हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो आपको आज की ये रिपोर्ट, आज का ये वीडियो न सिर्फ पूरा देखना होगा बल्कि इसे अपने एक एक मित्र परिजन तक भी पहुंचाना होगा, क्योंकि आज बात देश की है, हम सबके भारत की है, भारत की सुरक्षा की है, भारत की संप्रभुता की है। आज बात हो रही है मोदी सरकार की बेहद प्रचारित, प्रतीक्षित भारत के अग्निवीर योजना की। मैं इस योजना पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपको लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का एक बेहद अहम बयान बताना चाहूंगी। जनरल भाटिया का कहना है कि वो पैराट्रूपर रहे हैं, फौज में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों मर्तबा जोखिम लिए हैं, लेकिन अग्निवीर योजना जैसा जोखिम वो खुद कभी नहीं लेना चाहेंगे, खास तौर पर तब जब आपके पास चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों। आइए हम समझते हैं भारत के अग्निवीर योजना को, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, लेकिन इस अग्निपथ में अग्निवीरों के मुस्तकबिल में सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी। इसी अग्निपथ का प्रस्तावित नाम टूर ऑफ ड्यूटी था। इन 4 साल के दौरान वो फौजी अग्निवीर ही कहलाएगा, उसे कोई पद नहीं मिलेगा। देखिए, पहले साल में उसका कुल वेतन 30,000, लेकिन इन हैंड सैलरी मात्र 21,000, 9,000 उसकी सैलरी से कटेगा। हर महीने 9,000 सरकार जमा करेगी सेवा निधि में, दूसरे साल में 33,000, लेकिन इन हैंड 23,100 रुपए, 9,900 उनके और इतने ही सरकार जमा करेगी सेवा निधि में। तीसरे साल में 36,500, लेकिन इन हैंड 25,580 रुपए, 10,950 रुपए और इतने ही सरकार जमा करेगी प्रति महीने सेवा निधि में। चौथे साल में सैलरी होगी 40,000, लेकिन इन हैंड 28,000, 12,000 रुपए कटेंगे उसके और इतने ही सरकार जमा करेगी प्रति महीने सेवा निधि में। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर को 11,71,000 रुपए का एक मुश्त सेवा निधि पैकेज देकर विदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों को 48,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक अगर कोई अग्निवीर सेवा काल के दौरान सेवा करते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को 48,00,000 के लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा 44,00,000 का एक्स ग्रेशिया मिलेगा, और यदि कोई अग्निवीर अपंग होता है तो उसे 15,00,000 से 44,00,000 तक का एक मुश्त एक्स ग्रेशिया मिलेगा। 4 साल वाले अग्निवीरों को पेंशन भी नहीं मिलेगी, कैंटीन का लाभ भी नहीं मिलेगा और ना ही ECHS यानी ना ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। सवाल ये है कि इस योजना पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या सरहद की रक्षा की जिम्मेदार भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ इतना बड़ा प्रयोग किया जाना चाहिए? सैकड़ों पूर्व अफसर इस योजना के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी आज सवाल उठाया है कि सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? 4 साल की कम अवधि पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप खुद दिमाग लगाएं, 4 साल की नौकरी यानी 48 महीनों की और इन्हीं 48 महीनों में 6 महीने की ट्रेनिंग, बाकी बचे 42 महीने इसमें छुट्टियां भी होंगी, जवान को पर्सनल काम भी होगा, स्वास्थ्य संबंधित दिन भी होंगे। अब कितने महीने बचे आप खुद तय कर लें। जब तक अग्निवीर सेना को समझेगा तब तक तो उसके रिटायरमेंट की घड़ी आ जाएगी। 4 साल के बाद जब आप 75% अग्निवीरों को फौज से निकाल देंगे तो वो क्या करेंगे? सोचिए, उस वक्त उनकी उम्र 22 से 26 साल की ही होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए है। लेकिन जो युवा 22 से 26 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी सेना से प्रशिक्षित, तो उन्हें आप कैसे संभालेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। देश के पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके कुछ बहुत बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सैकड़ों पूर्व फौजियों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, जबकि उस वक्त जवान 35 साल की उम्र में रिटायर हो रहे थे। अरविंद मायाराम लिखते हैं कि अब जबकि सरकार ने अग्निवीरों की रिटायरमेंट की उम्र 22 से 26 साल तक कर दी है और रिटायरमेंट के बाद अगर इन लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिली तो फौजी ट्रेनिंग पा चुके ये लोग गुमराह करके देश के खिलाफ भी खड़े किए जा सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो सुशांत सिंह इस प्रस्ताव से असहज हैं। वो कहते हैं कि सैनिकों में युवाओं की भर्तियां छोटी अवधि के लिए करेंगे तो वो 24 साल होते होते फौज से बाहर हो जाएंगे, इससे देश में और बेरोजगारी ही बढ़ेगी। एक और डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने कहा है कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्सेस से रिटायर होता है और आम जीवन जीने आता है तो उनको बेहतर नौकरी नहीं मिलती है, उनको मिलती है गार्ड की नौकरी। जवानों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं लेता है। इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में ये देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अग्निवीरों को बाद में महसूस होगा कि 4 साल तक इनका इस्तेमाल करके इनको सर्टिफिकेट पकड़ाकर फेंक दिया गया है। कांग्रेस ने भी प्रेस रिलीज करके सरकार से सवाल पूछे हैं कि भारत की तीनों सेनाएं एक विशेष गरिमा, इतिहास, चरित्र व अनुशासन की परिपाटी है। सेना में सबसे बड़ा एसेट सैनिक है जो यूनिट के जुड़ाव के आधार पर लड़ता है और देश की रक्षा करता है। सैनिक के बलिदान की भावना, जिसे नाम, नमक और निशान से जाना जाता है, वो सालों से जुड़ाव से पैदा होता है। एक अनुशासित कमान में हर कुर्बानी देने वाली फौज के लिए परंपराओं का ये जुड़ाव उन्हें एक परिवार बनाता है। उस मार्ग पर चलकर वो देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव और अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में ये संभव हो पाएगा? सोचिए। रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर का कहना है कि ये नोटबंदी की तरह नॉन इम्प्लीमेंटेबल स्कीम भर न बनकर रह जाए। तमाम अग्निपथ के फर्स्ट कार्डर को भरने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे, सरकार कुछ भी दावे करे। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत सामने आएंगी कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग पुराने सेंटर्स पर होगी या फिर नए बनेंगे। कैसे तय होगा और कौन तय करेगा कि 25% कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें स्थायी किया जाएगा, बल्कि ट्रेनिंग सभी को एक जैसी मिली होगी? क्या 25% को अलग ट्रेनिंग मिलेगी या 75% जैसी ही होगी? आपको पता है जब 75% अग्निवीर घर लौटेंगे तो उनके पास एक मुश्त रकम और 12th के सर्टिफिकेट के अलावा 26 साल में बेरोजगारी का ठप्पा होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 6 महीनों की ट्रेनिंग में कितना स्किल्ड बना पाएंगे अग्निवीरों को? सेना में आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड, ईएमई, सिग्नल, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स और एयर डिफेंस में काम करने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं, तो ये सब 6 महीने में कितना सिखा पाएंगे? और उनका क्या होगा जो सेना में जाने का सपना वर्षों से संजोए बैठे थे? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे को जुमलेबाजी और भारी भरकम शब्दों से दूर ही रखना चाहिए। मोदी जी, आपकी सरकार कह रही है युवाओं को रोजगार मिलेगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेशनल मिलिट्रीज यूजुअली डोंट रन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। सत्यमेव जयते।